तमाम अटकलों के बीच बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगे। दिल्ली में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल हुए। ये तो रही खबर की बात, लेकिन इस बीच इन सब के अलावा आइए हम आपको बताते हैं कि जगदीप धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति कैंडिडेट एनडीए की तरफ से क्यों बनाया गया है। धनखड़ के नाम के ऐलान से अटकलों पर विराम। इस फहरिस्त में पहला नाम जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा थी वो थे मुख्तार अब्बास नकवी। बीते 6 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट पद से इस्तीफा दिया। उनका राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हुआ। इस्तीफे के बाद से नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने की चर्चा थी। नकवी को बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बनाया। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी भूमिका में लाना चाहती है, लेकिन इस पर फिलहाल विराम लग गया है। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच कई बार तल्खियां सामने आ चुकी हैं। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में हुए राजनीतिक हिंसा के लिए सीधे तौर पर उन्होंने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। 21 जून 2021 को उत्तर बंगाल के दौरे के समय उन्होंने कहा था कि लोग मारे जा रहे हैं, मैं ऐसे में चुप रहने वाला गवर्नर नहीं हूं। इसके अलावा पीएम की मीटिंग में शामिल न होने पर ममता को झूठा कहा था। टीएमसी ने कई मौकों पर धनखड़ को पद से हटाने की मांग की थी। टीएमसी ने जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया था कि राजभवन में उन्होंने अपने 4 रिश्तेदारों को ओएसडी बना दिया है। पूरे राजभवन को बीजेपी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी के एजेंडे के साथ खड़े रहे धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में अपनी भूमिका के दौरान सीधा ममता बनर्जी से टकराव लेते रहे हैं। यूनिवर्सिटी चांसलर के पद को लेकर विवाद हो या माँ काली पर मचा हंगामा, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए राज्य सरकार और ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब बातों के अलावा भी कई ऐसे मौके रहे जब धनखड़ ने अपने फैसले और बयान से ममता सरकार के मुश्किलें खड़ी कर दी। राज्यपाल के इन कदमों को सीधा बीजेपी के एजेंडे से जोड़कर देखा गया। राजस्थान चुनाव की चर्चा। जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताते हुए जिक्र किया कि उनका सार्वजनिक जीवन 30 वर्षों का है। 18 मई 1951 को जन्मे 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ को जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था। उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव किठना में हुआ था जो झुंझुनू जिले में आता है। जगदीश की न सिर्फ जाट समुदाय को आरक्षण दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है, बल्कि मारवाड़ी समाज में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अगले साल राजस्थान में चुनाव है, इससे भी जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान की 13% आबादी जाट की है, इसलिए इस दावेदारी को अहम माना जा रहा है।